मंगलवार यानी 30 जून को बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन काल। दरअसल इस तिथि में गुरु धनु राशि में प्रवेश करेंगे। वक्री गुरु के धनु राशि में प्रवेश करने से एक अशुभ योग भी बन रहा है, जो राहु के दृष्टि संबंध से जुड़ा है। और गुरु राहु का ये योग कई राशियों पर कई तरीके से प्रभाव डालने वाला है, जो इस तरह से है। मेष राशि। धनु राशि में वक्री गुरु और राहु का अशुभ योग मेष राशि वालों को फायदा पहुंचाएगा। नौकरी और व्यापार में सब ठीक रहने के साथ ही आपकी मेहनत भी रंग लाती दिख रही है। इस गोचर के बाद आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। वहीं परिवार के सदस्यों की सेहत ठीक रहेगी। नई योजनाओं से नफा हो सकता है, जबकि प्रतिद्वंदियों के षड्यंत्र को भी आप विफल कर देंगे। वृष राशि। वक्री गुरु और राहु का अशुभ योग निश्चित रूप से वृष राशि के लोगों को लाभ पहुंचाएगा। नौकरी और व्यापार में नया मोड़ आ सकता है। धनु राशि में गुरु की वक्री चाल से अचानक से फायदे की स्थिति बनती दिख रही है। हालांकि इस दौरान कुछ दिक्कतें पेश आ सकती हैं। आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला लें। सेविंग खत्म हो सकती है। सेहत के मामलों में सावधान रहने की जरूरत है। मिथुन राशि। गुरु गोचर से मिथुन राशि वालों को फायदा पहुंचेगा। कामकाज में स्थिरता आ सकती है। नए लोगों से मुलाकात संभव है। करियर के मामले में तरक्की मिलने के भी योग बनते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर नौकरी और व्यापार में लाभ की स्थिति दिख रही है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। सेहत को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है। कर्क राशि। वक्री गुरु की चाल और राहु के अशुभ योग से कर्क राशि वालों पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लंबे अरसे से रुके कार्य पूरे होंगे। अनजान व्यक्ति को कर्ज देने से बचें। भाग्य का ज्यादा साथ नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत के बल पर आप कामयाबी हासिल जरूर कर सकते हैं। सेहत को लेकर लापरवाही कतई न बरतें। सिंह राशि। बृहस्पति के राशि परिवर्तन से बन रहा राहु का अशुभ योग सिंह राशि वालों के लिए बेहद फायदेमंद है। इस बीच सिंह राशि के लोगों की कई योजनाएं सफल हो सकती हैं। बिजनेस या जॉब में नया टर्निंग पॉइंट आ सकता है। नए लोगों से मुलाकात संभव है। अनायास धन का लाभ भी बनता दिख रहा है। सेहत को लेकर सावधान लेकिन रहना होगा, क्योंकि पुराने रोग दिक्कत बढ़ा सकते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वालों की सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। प्रॉपर्टी में निवेश करने से फायदा हो सकता है। नई गाड़ी या मकान खरीदने का भी ये अच्छा वक्त है। रुके हुए काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। नौकरी और व्यापार में लाभ के योग हैं। लाइफ पार्टनर का भी पूरा सहयोग मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी। मानसिक तनाव दूर होगा। बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में शांति आएगी। तुला राशि। नौकरी और व्यापार में तरक्की हासिल करने के लिए कड़ा प्रयास करना होगा। आर्थिक तंगी परेशान कर सकती है। खर्चे बढ़ सकते हैं। कुछ मामलों में भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा कई योजनाओं के लिए भी ये सही समय नहीं है। इस दौरान बेहद सोच समझकर फैसले लेने की जरूरत है। किसी करीबी दोस्त या साथ काम करने वालों की वजह से आपको नुकसान पहुंच सकता है। घर के सदस्यों की सेहत को लेकर आप परेशान रहेंगे। आपको बता दें कि खास बात यह है कि जहां गुरु वक्री होते हुए 30 जून को धनु राशि में आएंगे, वहीं इसके बाद एक बार फिर गुरु मकर राशि में 20 नवंबर को प्रवेश करेंगे और वर्ष पर्यंत उसी राशि में विचरण करेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।